कोविड काल में पंचायत तकनीकी सहायक संघ ने इस वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाई है। पंचायत तकनीकी सहायक संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि इस वर्ग को प्रोत्साहन देना तो दूर, उल्टा 2 साल से तकनीकी सहायकों के जेए के रूप में प्रमोशन की फाइल अभी तक लटकी पड़ी है। जो भी हमारे कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे सेक्रेटरीज हो, चाहे तकनीकी सहायक हो, उनके लिए कुछ पॉलिसी लाए, क्योंकि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो कोरोना में सरकार के कार्य योजनाओं को अमली जमा पहनाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, स्वर्ग से धार रहे हैं। मेरे अभी 2-3 तकनीकी सहायक, 2-3 सेक्रेटरीज हिमाचल प्रदेश में इस कोरोना की लड़ाई में लड़ते हुए कार्य करते हुए मारे गए, स्वर्ग से धार गए। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। उनके हमारे धर्मशाला ब्लॉक में ही जो कर्मचारियों की डेथ हुई, हम लोगों ने उनके लिए कुछ धन इकट्ठा किया, उनके परिवार को सहायता दी। चाहे वो किसी भी पंचायती राज की कोई भी योजना हो, और पंचायती राज ही एक ऐसा विभाग है जो सरकार की हर योजना को कामयाब किया हुआ है और कामयाब करते आए हैं। हम इस दुखद घड़ी में, इस संघर्षपूर्ण घड़ी में, इस कोरोना काल में पूरे देश के साथ है, पूरे प्रदेश के साथ है, हम और कार्य करेंगे। लेकिन जैसे एक होता है कि हम एक बच्चा जो कोई अच्छा कार्य करता है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि और बच्चे भी ज़्यादा अच्छा काम करें, और वो व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा है वो और अच्छा काम करें। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ हमारे लोगों की डेथ हो रही है, स्वर्ग से धार रहे हैं, और ऐसा ना हो कि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो भी फील्ड स्टाफ है वो महत्वपूर्ण कड़ी है, और ये डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमारे है, हमने पहले भी कोरोना की लड़ाई जीती है, अब भी जीतेंगे। हम प्रदेश के साथ में हैं, देश के साथ में हैं, लोगों की जन सेवा करने के लिए तैयार है। कोई भी मनरेगा का इस दुखद घड़ी में, इस संघर्षपूर्ण घड़ी में एक मनरेगा एक ऐसा हमारे लिए साधन है जो लोगों को बहुत सी आय प्रदान कर रहा है, मुसीबत की घड़ी में उनके घर द्वार पर रोजगार दे रहा है। लेकिन तकनीकी सहायक को वहाँ भी जाना पड़ेगा, 15 दिन बाद उसकी असेसमेंट भी करनी पड़ेगी, कार्य कैसे करवाना है वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो ये तकनीकी सहायक अपनी जान पे खेल के जा रहे हैं, और उनको वहाँ पे कोरोना भगवान ना करे लग जाए तो उनके परिवार या उनके परिवार वालों की कुछ तो सुरक्षा चाहिए। हमने पहले भी कार्य किया हुआ है, हम कार्य से पीछे नहीं भाग रहे हैं। लेकिन विभाग को भी हमारी और ध्यान देना चाहिए। हमारी पदोन्नति की फाइल जो 2 साल से विभाग के पास अटकी हुई है, आज करेंगे कल करेंगे, सोचिए एक व्यक्ति को 2 साल बाद प्रमोशन मिलेगी तो उसका कितना नुकसान होगा। हमारे कुछ लोगों को 2-2-3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। सिरमौर ब्लॉक में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, राजगढ़ ब्लॉक में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में 2 महीने हो गए तनख्वाह मिली हुई, नदौन ब्लॉक में तनख्वाह नहीं मिली हुई है। कुछ लोगों को मनरेगा से दी जा रही है, कुछ लोगों को ग्रांटिंग एड से दी जा रही है। ये भेदभाव क्यों, जब सारे के सारे तकनीकी सहायक जिला परिषद के कर्मचारी हैं तो उनको जिला परिषद से तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये मेरी सरकार से निवेदन है कि व्यक्ति ये भेदभाव खत्म करके सबको एक ही जगह से तनख्वाह दी जाए, ग्रांटिंग एड से तनख्वाह दी जाए, जिला परिषद से तनख्वाह दी जाए, और पदोन्नति की फाइल को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, जल्द से जल्द ऑर्डर निकाला जाए, और फ्रंट वॉरियर चाहे वो आशा वर्कर हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे तकनीकी सहायक हो, बहुत जन सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ सुरक्षा दी जाए, कोई बीमा दिया जाए, उनके पारिवारिक कुछ सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, बहुत कोरोना के मरीजों के बीच में जाके, लोगों के बीच में जाके ये कार्य कर रहे हैं। ये मेरी सरकार से उम्मीद है कि हमारी पदोन्नति की फाइल, हमारी जो ये तनख्वाह नहीं मिलने वाली, और सबको एक पंचायत तकनीकी सहायकों को सब एक जगह से तनख्वाह मिले, क्योंकि 2-2 महीने हो गए उनके परिवारों का तनख्वाह मिले हुए, 2-2 महीने हो गए उनके परिवारों का गुजर बसर मुश्किल हो गया है, और हमें एक स्पेशल सुरक्षा बीमा दिया जाए जिससे हम और कार्य कर सकें, और हम सरकार के साथ हैं, जन सहयोग करेंगे, जन सेवा करेंगे। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला।